एक बहुत बड़ी शख्सियत, लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी और मेमन फोरम के एक आला शख्सियत जनाब सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि 5 मिनट के लिए तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सिराज कासिम तेली साहब। आप खवातीन और हजरात के लिए लकी ड्रॉ का भी बंदोबस्त किया गया है और 2 लकी ड्रॉज हैं जो इस प्रोग्राम के आखिर में पेश किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील लगी जवाल वाला साहब, सईद शफीक साहब, हारून बारी साहब, ताहिर खालिद साहब, यासिर मलिक साहब, तेजू खलील साहब, एम पी ए साहब रजा हारून साहब, एम एल ए रशीद गोडिंग साहब, बहुत सारे दोस्तों साथियों स्टेज पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए दोस्तों साथियों भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह इतना बड़ा कन्वेंशन कराची में दिल्ली सौदागरान का देख के बड़ी खुशी हो रही है। और इसके लिए इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं ख़ास तौर पे खलील गंजावाल वाला साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसका ऑर्डर था, वहाँ भी गए और 2-4 बातें भी कर लेंगे। बातें क्या करनी, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो कन्वेंशन और इतना बड़ा इन्होंने सजाया है माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये हमारे चैम्बर के इलेक्शनों का नहीं है, वरना तो बीएमजी का जलसा भी तकरीबन पीछे यूनियन क्लब में भी इसी तरह का होता है और हर तकरीबन हर साल इस तरह के लोग बहुत सारे यहाँ दोस्त साथी मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी बरादरी के जो हमारे साथी हैं बीएमजी में चैम्बर में और आदमी 10-10 साल से साथ है। ताहिर भाई यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथी हैं चैम्बर में। बात यह है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गैदरिंग है और ख़ास तौर पे कम्युनिटी बेस पे गैदरिंग, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसमें जो इन्होंने आज, मुझे भी पता चला कि 100 साल बाद ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है, 1906 में हुआ था। और इसके बाद ये खलील साहब ने बड़ा कमाल किया, बड़ा अच्छा काम किया और दुनिया से लोगों को बुलाया। और इत्तेफाक देखें, दुनिया कितनी छोटी है, मेरे से पहले जो बुजुर्ग हमारे तकरीर कर रहे थे फयाज उमर साहब, फयाज उमर साहब, इनसे मेरी मुलाकात 2004 में, हम लोग सबसे पहला डेलीगेशन इंडिया लेके गए चैम्बर का वो पीस के हवाले से। और इन लोगों ने बड़ा अच्छा एक एहतमाम किया था वहाँ पे चैम्बरों से, और सबसे मिले इनके साथ साथ गवर्नमेंट से मिले, और इन्होंने भी हमारे लिए इत्तेमाम किया था, वहाँ भी अच्छी अच्छी बातें हुई। तो ये इत्तेफाक था, मेरा आज इनसे फिर मुलाकात होनी थी तो यहाँ मैं आ गया। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो गैदरिंग हुई है और जो आपकी जमीयत काम है, और 5-7 साल से क्योंकि सईद और बहुत से दोस्त साथी जो मेरे साथ चैम्बर में हैं उनके हवाले से, ताहिर भाई के हवाले से पता चलता रहता है एक्टिविटीज़ का, सोशल वर्क का ख़ास तौर पे, तो बड़ी खुशी होती है। और ख़ास तौर पे ये जो एका नज़र आ रहा है, जो यूनिटी नज़र आ रही है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेमन फेडरेशन में या जब भी बोरियों के लोग भी यहाँ मौजूद थे, जितनी भी जमातें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की गैदरिंग में, और तो कुछ बात मैं करना नहीं चाहूँगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये यूनिटी का बहुत अच्छा डिस्प्ले है। खलील साहब आपको ख़ास तौर पर मुबारक, और हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह इसी तरह जमीयत के लोगों को सबको साथ रखे, जिस तरह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे मेम्बरों में भी इसी तरह होता है, कंसेंसस से सब चीज़ होती है। इससे शहर का भी फायदा है, बरादरी का भी फायदा है और सबका फायदा ही होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया और ख़ास तौर पर बोलने को भी कहा। सही शफीक का राशिद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि चाहता है कि मैं जल्दी चला जाऊँ ये भी हमारा साथी है। खैर, और बात को ख़ास की थी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रगुजार हूँ सिराज कासिम तेली का।